हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर 3/5 और हमको निकालना है टेन थीटा का मान। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हल, हल लिख देंगे। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं लिखना पड़ेगा ना। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे कर्ण। इसको आपको याद कर लेना है, नहीं तो ये आप नहीं लगा पाओगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंबटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंबटे कर्ण, जो कि यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। तो ऐसे लिख देंगे 3/5। भैया आप क्या करेंगे, एक तो चित्र बनाएंगे किसका, समकोण त्रिभुज का, समझने के लिए। भैया यहाँ पे हमने बना लिया समकोण त्रिभुज का टेढ़ा मेढ़ा चित्र। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसका नाम भी लिख देंगे, ए बी सी, जो कुछ मन करे आप लिख दीजिए। यहाँ पे ए बी सी मैंने लिख दिया। अब देखिए ये आपका 90 अंश का कोण है, 90 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। आपको पता है, नहीं पता फिर भी जान लीजिए, इसके सामने वाली भुजा होगी कर्ण। ठीक है, अब भैया ये यहाँ पे आप या तो थीटा मानिए या तो यहाँ पे थीटा मानिए। तो कहाँ मानेंगे, चलिए हम यहीं पे मान लेते हैं थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। नहीं जानते तो जान लीजिए, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। और जो बचे उसको क्या करते हैं, आधार लिख देते हैं, ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए लंब बराबर कितना है, 3। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे लंब की जगह पे। और कर्ण कितना है, 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे कर्ण की जगह पे। अब भैया देखिए टैन थीटा बराबर क्या, यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो भैया टैन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। भैया हमको तो लंब पता है लेकिन आधार नहीं पता है, तो कैसे निकलेगा टैन थीटा का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का आइकन है, ए बी सी में क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है वो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए कोई बात नहीं। होता है कर्ण का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़िए। भैया देखिए कर्ण कितना है, 5, ये आपको याद कर लेना है, नहीं तो आप ये नहीं लगा पाओगे। भैया कर्ण का मान 5, 5 लिख देंगे ऐसे कर्ण का स्क्वायर। भैया पेन को क्या हो गया, भैया लंब कितना है, 3, 3 लिख देंगे 3 का वर्ग। भैया आधार कितना है, भैया आधार ही तो निकालना है, आधार को ऐसे रहने ही देंगे। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 3 का वर्ग 9 प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए 25, 25 को लिखेंगे, इधर 9 है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 9, इस साइड प्लस है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर आधार का
स्क्वायर, ठीक है। देखिए 25 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 16, 16 लिख देते हैं, बराबर आधार का स्क्वायर। भैया देखिए इधर वर्ग है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, वर्गमूल, तो वर्गमूल ऐसे हम लिख देंगे 16 बराबर आधार। मैं जब इसका टोपा बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, 4, तो ऐसे लिख देंगे 4 बराबर आधार। ये बेकार का डंडा, इसको मत समझिए। आधार बराबर कितना हो गया, हमें मिल गया 4। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे आधार बराबर 4 मिल गया। अब टेन थीटा का मान निकालना है, तो टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिखेंगे ऐसे। अरे यार पेन तो चल, मरना था इसको भी, पेन को। लंब कितना है, 3, 3 लिख देंगे। आधार कितना है, 4, आधार ये रहा 4। ये आपका क्या है, टैन थीटा, यानी कि टैन थीटा का मान कितना आया, 3/4। भैया जो पूछा था टैन थीटा का मान कितना है, आप लिख देंगे 3/4। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।